सर 12 नवंबर का आरोपी अज्जू लसन वाला आज कोर्ट में पेशी थी, क्या हुआ? कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। नंबर 74/2021 में उसका एमसीआर हो चुका था, आज सीआर नंबर 75/2021 के अंदर उसको सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने हाजिर किया था कोर्ट में। जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने की हुई है 7 तारीख तक, और उसमें ऐसा है कि अभी दोनों सीआर के अंदर एमसीआर हो गया, इसीलिए अब जमानत के आगे किस तरीके से कार्रवाई करना ये ताल्लुक से हमारा मशवरा चल रहा है उसके घर के लोगों के साथ। जल्द से जल्द हम लोग जमानत उसकी स्टेशन कोर्ट में दाखिल किए करेंगे, और जमानत दाखिल करके फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से उसको जल्द से जल्द जमानत करा के बाहर निकालते आएंगे, इस तरीके की कोशिश जारी है। आज कुछ आपने आर्गुमेंट किया, कुछ नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं था, इसीलिए पुलिस ने खुद होके उसमें जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की थी, इसके लिए कोई आर्गुमेंट करने का सवाल नहीं आया। सर जैसे शुरू में 12 नवंबर के आरोपी को लाया जाता था, तो कुछ लोगों की रेगुलर बेल भी मालेगांव में हुई, तो अज्जू का चांस है क्या रेगुलर होने का? 100% चांस है। इसकी वजह ऐसी कि एक तो पैरेडी का ग्राउंड इनके लिए अवेलेबल है, हाईकोर्ट ने बहुत सारे लोगों को ये दोनों सीआर में एंटी सेमेट्री बेल दिया है, रेगुलर बेल दिया हुआ है, वो ग्राउंड के ऊपर एक पैरेडी का ग्राउंड अवेलेबल है हमारे लिए, उसके तहत हम लोग जो है तो अज्जू लसन वाले का बेल पैरेडी के ग्राउंड के ऊपर ही प्रेस करने वाले हैं। सर अज्जू लसन वाले का रोल अभी तक मतलब साबित हुआ है कि वो ऑर्गेनाइजर में आ रहा है या स्टोन पेंटिंग? नहीं, ऑर्गेनाइजर है ऐसा तो पुलिस का भी कहना नहीं है, बस वो मॉब के अंदर ये था और इसका एक्टिव रोल है ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन अब इसके ताल्लुक से जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में तब पता चलेगा कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी के दरमियान इससे क्या एविडेंस कलेक्ट किया।